अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल विज्ञान के एक प्रोफेसर प्रशांत महासागर में एलियन यानी दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जीव की तलाश शुरू करेंगे। उनका दावा है कि एलियन कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि वो असलियत में होते हैं और हमेशा से उनका धरती पर आना जाना रहा है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आवी लोग का मानना है कि 2014 में प्रशांत महासागर में क्रैश होने वाला उल्कापिंड असल में एक एलियन टेक्नोलॉजी या यूं कहें कि एलियन का विमान हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि समंदर में गिरने वाला उल्कापिंड सौर मंडल के बाहर से आया था। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से प्रोफेसर लोब उस उल्कापिंड को समंदर से निकालने में जुटे हैं। उनका मानना है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे बाहर निकालना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह पहली बार होगा जब इंसान सौर मंडल के बाहर से आने वाली किसी अनजानी चीज पर हाथ रखेगा। प्रोफेसर लोब का दावा है कि समंदर में गिरा उल्कापिंड का ज्यादातर हिस्सा लोहे का बना है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जबकि अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड लोहे के नहीं होते, इसके अलावा उसकी स्पीड सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों से करीब दुगनी थी। इसी वजह से प्रोफेसर लोब का मानना है कि समंदर में गिरा उल्कापिंड एलियन का विमान हो सकता है, इसीलिए उस उल्कापिंड को समंदर से बाहर निकालने की योजना बनाई जा चुकी है। इसके लिए पापुआ न्यू गिनी के पास क्रैश साइट के 10 किलोमीटर के अंदर उस जहाज को चुंबक से जोड़कर आगे पीछे समुद्र में किया जाएगा, ताकि उल्कापिंड के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाएं। इसके बाद उन टुकड़ों की जांच कर ये पता लगाया जाएगा कि समंदर में गिरने वाली वो चीज उल्कापिंड थी या फिर एलियन का विमान।